जी नमस्कार साथियों, कन्वर्सेशन न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। झाड़ू सेना संगठन, जी हाँ, झाड़ू सेना संगठन ने 3 जुलाई 2022 को राजस्थान प्रदेश कार्यकारिणी बैठक की गई, जिसमें जयपुर शहर विधानसभा में हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। राजस्थान के 14 जिले अध्यक्ष तथा 25 विधानसभा अध्यक्षों की नियुक्ति पद दिया गया। कार्यक्रम में संपूर्ण योगदान देने के लिए झाड़ू सेना संजीव जावा अध्यक्ष साहब वहाँ मौजूद थे और उनकी पूरी टीम वहाँ मौजूद थी। दिल्ली से चलकर गई थी और जयपुर में जो कार्यकारिणी बैठक की गई उसमें देखा गया कि झाड़ू सेना का परिवार और बड़ा हो गया। हमने जब कुछ सवाल किए तो उनका कहना था कि ऐसे आग्रमी कार्यक्रम आपको अभी हिमाचल, उत्तराखंड और जगह प्रदेश देखने को मिलेंगे। झाड़ू सेना दिल्ली तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश में, यहाँ तक कि महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव तक की रूपरेखा बनाई जा रही है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं उस कार्यकारिणी बैठक में जहाँ संजीव जावा जी, नरेंद्र जी, धर्मराज जी, ईश्वर जी, राजू भाई जी और उनकी पूरी टीम एकत्रित हो गए, दीपक भाई जी वहाँ एकत्रित होकर झाड़ू सेना के परिवार को बड़ा करने जा रहे हैं। किस उद्देश्य से कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या रूपरेखा, क्या रणनीति राजस्थान में बनाई जा रही है, इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करते हैं कन्वर्सेशन न्यूज के माध्यम से। आपको लेकर चलते हैं, आप मेरे साथ ही लगातार बने रहे, पल पल की खबर आपको देते रहेंगे। कैमरे में मुन्ना भाई।